था साला का है, तू अभी तक मोबाइल नहीं बदला है कि... So guys, finally हम पहुंच चुके हैं निकासी। Hello friends, welcome back to YouTube channel Break Boss में स्वागत करते हैं आप सभी को। और guys, कैसे है आपकी जिंदगी? मेरे जिंदगी तो ऐसे है। अच्छा आपकी जिंदगी आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस ये वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना क्योंकि मेरे ये वीडियो बहुत यादगार होने वाली है मेरे लिए। आप लोगों को पता नहीं, जो भी हो मेरे लिए बहुत यादगार होने वाली है, तो ये वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा। और गाइस आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं गुजरात टू आसाम जर्नी। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। तो गाइस हम लोग फाइनली असम के लिए निकलने वाले हैं और लगभग निकल ही चुके, और प्रकाश भी इधर पूरा तैयार हो चुका है, देख सकते हो। और मेरा लगेज इधर ले लेता हूँ, अभी निकलने वाले हैं, निकल जाते हैं। रूम बंद कर दे, रूम को बंद कर देते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल अहमदाबाद तक जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और प्रकाश और इस तरह गाइस बाय बाय टाटा, सी यू मिस यू। सारे अपार्टमेंट देख सकते हो, इस अपार्टमेंट से अभी निकलने वाले हैं। तो गाइस ये अपार्टमेंट बहुत बड़ा है, यहाँ पर किराया बहुत लोग रहते हैं किराए पे। सो गाइस अभी हम खास दोस्त लोग को मिलने वाले हैं। ये रहा एक बंदा, ये क्या कर रहा है देखो, फिर ये एक बहुत क्या रहा है, एक नमस्ते जोहार प्रणाम सब चलिए भाग कर रहे हैं। आप लोग देख चुके होंगे हमारा दोस्त लोग इधर चुप करते हैं। तो अभी हम फिलहाल ऑटो पकड़ेंगे मुरैया पे और चले जाएंगे अहमदाबाद। हम लोग यहीं से ऑटो पकड़ेंगे, देख सकते हो वो रहा मुरैया फर्स्ट गेट। सो गाइस फाइनली हमारी ऑटो आ चुकी है। ट्रैफिक होता है यार यहाँ पे, से निकल चुके अभी, देख सकते हो इतना ट्रैफिक। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके अहमदाबाद। सो गाइस स्टेशन तो पहुंच चुके हैं, अभी टिकट करने की बारी। तो रात को 9 बजे है ट्रेन। गाइस यहाँ पे बहुत सारा भीड़ लग चुका है टिकट के लिए, कौन कहाँ जाएगा पता नहीं, जो अपने अपने काम के लिए जाएंगे सभी लोग। अभी ट्रेन 9 बजे है रात को, तो अभी ये दूसरा वाला ट्रेन है, कौन सा ट्रेन पता नहीं, लेकिन जो भी हो खड़ी है इधर हम लोग। गाइस ये है अहमदाबाद की सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन, हम प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे बैठे हैं। सो गाइस यहाँ से आगे का क्लिप शूट नहीं कर पाए क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो ट्रेन के अंदर बहुत मतलब सांस लेने की जगह नहीं थी, तो उतना सारा भीड़ हो गया था, तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, ज़्यादा मतलब शूट कर ही नहीं पाए। ये जर्नी बहुत मुश्किल से गुजरी है, तो ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस, और क्या बताऊँ यार। तो रंगिया से देखते हैं, चलिए। Three days later. So guys हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं रंगिया स्टेशन। अभी 4:30 बज चुका है फिलहाल। बस जाने वाला है साइट निकासी तक या फिर कहीं और पता नहीं, जो भी हो पूछते हैं क्या होता है।
अभी हम तो गेट से निकल चुके हैं। तेजपुर है नहीं कि? तो गाइस फिलहाल हम लोग स्टेशन से हम चलते हुए आ रहे हैं मेन रोड तक। तो मेन रोड से हम गाड़ी पकड़ेंगे और चले जाएंगे गांव। तो चलिए तो गाइस सभी बस से उतर चुके हैं फाइनली और अभी घर की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस हमें ओवर ब्रिज से आगे छोड़ दिया था, तो आते आते थोड़ा देर हो गया मतलब कि देर हो गया। तो गाइस यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है गुजरात से कई ज़्यादा। तो गुजरात में तो इतना ठंड नहीं लगता था यार, यहाँ आसाम में तो बहुत ठंड है। और घर जाते जाते कितना बड़ा ठंड लगेगा मतलब महसूस किया तो नहीं है। अभी गाड़ी में था ना, लोगों के बीच में बहुत गर्मी लग रहा था तो अभी कल से मतलब परीक्षा लेंगे गर्मी कितना, ठंड कितना होता है, गर्मी कितना होता है। तो गाइस फाइनली हमारे ऑटो ये रहा और हम इस ऑटो पे बैठ के जाने वाले हैं। अभी थोड़ी देर वेट करने के बाद दो तीन का पैसेंजर आने के बाद चले जाएंगे। कौन था? पुतला था, गांव का ही बंदा था। गाइस तो हम लोग का गांव का ही बंदा इस गाड़ी में काम करता है। तो ये रहा लगेज वगैरह हमारा। A few moments later, बर्मा से आ चुके हैं मौसलपुर। अभी यहाँ से फिर निकासी जाना पड़ेगा। Fifteen minutes later. So guys, finally हम पहुंच चुके निकासी। है ना दोस्त? हाँ, ये लास्ट में शर्म लगता है ना, इसलिए दूसरे रास्ते से आए, अपना गांव का रास्ता छोड़ के। क्या करूँ यार, दीपांकर तो आगे निकल गया वो क्वारी चौक में, तो हम लोग इधर निकासी पे आए हैं। वो लुंगी आ रहा है सामने, इसने कॉल करके बुलाया था क्या उसको? हाँ लुंगी भाई, अभी दिखने बुलाया था। हाँ तूने बुलाया था? बुलाया तो नहीं था यार, लेकिन आ गया। कैसे पता चल गया इसको? या गाइस ये फाइनली पांडे को मिल गया। हमको छोड़ के चलाया था साला। तू अभी तक मोबाइल नहीं बदला है? कैसे बदलेगा यार, पैसा दिया था क्या? पैसा दिया था? देखो मैं नया लेके आया। देखो तेरे पास पैसा है ना, इसलिए तू नया लेके आया है। तू साला उधर रह के साला पैसा कमा के आया यार, मेरे को बोलता है पैसा नहीं है। 500 रुपया जेब में लेके आया है। 500 रुपया? तेरा तो आईफोन दिख रहा है यार। तो तू मेरे को वो फोन दे देना। ओ पैसा गिर गया 500 रुपया। पांडे सुन रहा है ना? हाँ। तू वो फोन दे देना मेरे को, मैं वीडियो बनाएगा। ये देखो आईफोन देगा क्या तू इसको? इसको बेइज्जती क्यों करता है यार, देगा क्या? अबे इसको मेरा बीबी है मेरा, ये किसका देगा? ऐसा बात है नहीं, मैं जब कम नहीं जाएगा तब तेरे साथ चला जाएगा। नहीं नहीं ये जब तक है तब तक तो नहीं चाहिए। हम काम जा रहा है रे बाबा। तो जाओ जाओ, डिस्टर्ब कर दिया। गाइस फिलहाल अभी बचपन के दोस्त और क्लासमेट से मिलने आए हैं, आगे है। सो गाइस फाइनली हमें दोस्तों को तो गिफ्ट शिफ्ट दे दिया और कुछ दोस्त को मिल लिया है। और अभी चलते हैं घर पर, क्योंकि दोस्त को दिखा नहीं पाए क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए नहीं दिखाए। कोई बात नहीं, अगली बार ज़रूर दिखाएंगे आप सभी को, मेरा बचपन का दोस्त और क्लासमेट। तो यार गाइस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो कैसा लगा आज के ये वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।